पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरह से श्री राम प्रभु को लेकर बयान दिया था, उसके बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और अब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जीतन राम मांझी का नाम जीतन राम मांझी नहीं जीतन राक्षस मांझी होना चाहिए। हम लोग के आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया है, लेकिन मेरा कहना है कि उनके पूज्य माता पिताजी ने जीतन राम मांझी उनका नाम रखा। जीतन राक्षस मांझी भी रख सकता था, राम है तब तो उनके माता पिता ने जीतन राम मांझी रखा। ये चंद वोटों का लालच है, सेकुलर बनने के चक्कर में एक आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। भारत के कण कण में राम है, राम के बिना क्या हाल हुआ सपा बसपा आपका, सब अयोध्या में जाकर के नतमस्तक हो रहा है। इससे भी उनको सीख लेनी चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लोग अयोध्या जा रहे हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग, विभिन्न पार्टी के लोग, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें अंतिम समय में लोगों को राम का नाम लेना ही होता है, तो ये बात अगर हम कहें तो जीतन राम मांझी को मानना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। कुंदन कुमार, ATV भारत, पटना।